हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड PYQ। और इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड PYQ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको अलग अलग नेम से अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगी। वहाँ आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड PYQ की प्ले लिस्ट अलग मिलेगी, वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड PYQ। और आप ये देख रहे होंगे, ये PYQ जो है, ये PYQ हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 के हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। फर्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नोट पे ध्यान दीजिएगा, इज नॉट अ करेक्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र। ऑप्शन है रियलिज्म, ए मोरल, स्टेट क्राफ्ट, मटेरियलिज्म। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? यथार्थवाद, नैतिक निरपेक्ष, राज्य शासन कला, भौतिकवाद। आप अपना आंसर अपने आप में एज्यूम कर लीजिएगा या फिर कोई कॉपी पेन लेकर आप बैठिएगा जिससे आप नोट करते जाइएगा और देखिएगा आपका स्कोर क्या रहा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है, वो नहीं है भौतिकवाद। अब देखते हैं हम सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें भी देखिए नोट पूछा है, निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बुध, धम, कौटिल्य, राज्य की सात भुजाएं, महावीर, निर्वाण, मनु, लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा महावीर निर्वाण। इसका राइट आंसर क्या होगा? महावीर निर्वाण। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश में सेम है, इसलिए हमने हिंदी में इसको रीड किया। थर्ड है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिटाइज फ्रॉम वेयर स्वामी दयानंद सरस्वती, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, बोरो द कंसेप्शन ऑफ मोनार्की। निम्न में कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया? ऑप्शन क्या क्या है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, द लाइफ डिवाइन, आनंदमठ। तो हमारे थर्ड का आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को कहाँ से लिया है? तो ये लिया है मनुस्मृति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में है हमारा लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, और इसमें क्या दिया रहा है, इसमें इधर आपको थिंकर्स दिए हैं दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, अरविंदो घोष, राममोहन रॉय। अब हमें इसे मैच करना है। सबसे पहले आप देखिएगा, सर सैयद अहमद खान ये क्या है, सेकुलर एजुकेशन एंड इस्लामिक थियोलॉजी। बी को अगर हम थर्ड से करते हैं तो थर्ड हमारा, देखिए हमारा सेकेंड ऑप्शन में भी थर्ड है और थर्ड में भी थर्ड है, बी का थर्ड, तो इसलिए अभी ये हमारा क्लियर नहीं होगा। आप देखेंगे कि डी का राममोहन राय, ये हमारे सारे ऑप्शन सेम है, तो इसलिए राममोहन राय का डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, दो बचे हैं हमारे पास। अब आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती आपने पढ़ा होगा वैदिक रिवाइवलिज्म, तो ए का हमारा क्या हुआ, ए का फोर। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में ए का फोर है, अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऑप्शन से उसका आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चारों ही पता होने चाहिए तभी हमारा आंसर आ पाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, देखिए फर्स्ट हमने स्वामी दयानंद सरस्वती को वैदिक से लगा दिया, सर सैयद अहमद खान इस्लामिक थियोलॉजी से मैच कर दिए, राममोहन राय डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट से लगा दिए। अब बचे हमारे पास अरविंदो घोष, अरविंदो घोष का हमारा क्या होगा, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। तो ये हमारा इस तरीके से राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ए का फोर, बी का थ्री, सी का टू, डी का वन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। एक बार हिंदी में देख लीजिए, दयानंद सरस्वती वैदिक पुनरुत्थान की बात करते हैं, सर सैयद अहमद खान धर्म निरपेक्ष शिक्षा व इस्लाम धर्म शास्त्र की बात करते हैं, अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और राम मोहन राय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा की बात करते हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर टू। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी हमारी लिस्ट वन ऑथर की है, लिस्ट टू बुक्स की है, और इसमें भी देखिए सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। देखिए फिर से सर सैयद अहमद खान है, दादा भाई, दयानंद सरस्वती है, अरविंद घोष है।
दादा भाई नौरोजी, जिनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए हम डी का अगर पोल लगाते हैं तो डी का फोर सिर्फ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरीके से हमारा ये इजीली आंसर आ गया कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन फिर भी हमें सारे मैच करके देखना है ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जब ये हमारे सामने आए तो हमें आसानी से ये हम इसको याद कर सकें। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान का हमारा होगा द कॉसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। दयानंद सरस्वती का है हमारा सत्यार्थ प्रकाश। अरविंद घोष का है हमारा लाइफ डिवाइन। तो इस तरीके से ये हमारा मैच हो गया। अब हम हिंदी में देखते हैं इसको। देखिए सर सैयद अहमद खान, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, अरविंद घोष, दी लाइफ डिवाइन, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग इज नो एज एन इम्पीरिकल इकोनॉमिस्ट रेदर देन ए स्पेक्यूलेटिव मेटाफिजिशियन। तो इसका हमारा क्या है ऑप्शन देखते हैं हम। निम्न में कौन सा चमत्कारी तत्व शास्त्री की बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें बात क्या की गई है, बात की गई है कि चमत्कारी की तत्व शास्त्री की बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री। जहाँ पर अर्थशास्त्र की बात होगी उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, दादा भाई नौरोजी। इनके अभी देखिए ऊपर बुक आई है, इस बुक को आप याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दो देखिए दो कॉन्सेप्ट यहीं पर इनके मिले हैं अभी अभी, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपको सामने आए तो आप आसानी से इसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। राम मनोहर लोहिया वाज एन एडवोकेट ऑफ। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे किस चीज के थे, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, गिल्ड सोशलिज्म या सिंडिकेलिज्म, विकेंद्रित समाजवाद के, परंपरागत मार्क्सवाद के, सिरेड़ी समाजवाद के, सिरमिक संघवाद के। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विकेंद्रित समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिस्ट ये फिर से लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब इसमें देखते हैं कौन कौन है। इसमें महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। देखिए सबसे पहले हम महात्मा गांधी, अब इधर देखते हैं लिस्ट 2 में सर्वोदया, पंचशील, ट्रस्टीशिप, टोटल रेवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो ट्रस्टीशिप किसका है, महात्मा गांधी का। ए का 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ ए का 3 सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से हमारा आंसर तो ये आ गया, लेकिन हमें चारों को रीड करना है। जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन, बी का 4, नेहरू पंचशील, पंचशील कब के हैं याद रखिएगा, 19 लिख देती हूँ मैं, 1954 किसके साथ हुए थे ये, चाइना के साथ, विनोबा भावे सर्वोदय। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक बार हिंदी में भी हम मैच कर लेते हैं, महात्मा गांधी, न्यायसीता, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, जवाहरलाल नेहरू, पंचशील, विनोबा भावे, सर्वोदय। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, ये है हमारा असर्शन एंड रीजन। सत्याग्रह इज स्पिरिचुअलाइज एंड मोरलाइज फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। रीजन है हमारा बिकॉज इट डज नॉट स्ट्रेस ऑन अ मोरल टेलोलॉजी। हिंदी में देखते हैं सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है। तर्क में बोला गया है क्योंकि ये नैतिक स्वदेश्यवाद पर बल नहीं देता। तो इस तरीके से क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कुछ आंसर जो होते हैं क्वेश्चन में छुपे होते हैं। अब एक तरफ तो बात की गई है कि सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है क्योंकि ये नैतिक स्वदेश्यवाद पर बल नहीं देता। जब वो आध्यात्मिक और नीतिवाद की बात करेगा तो क्या वो नैतिक स्वदेश्यवाद पर बल नहीं देगा, तो ये जो है हमारा रोंग है। इसमें जो नोट दिया गया है ये गलत है, ये नैतिक स्वदेश्यवाद पर बल देता है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए हमारा सत्य है लेकिन आर हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ बी आर अम्बेडकर आइडियोलॉजी। निम्न में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैन, रैशनलिटी, समता समाज, क्रेडिट इनइक्वालिटी। व्यक्ति का महत्व, तर्कसंगत, समता समाज, श्रेणीकृत, असमानता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, इनइक्वालिटी, श्रेणीकृत इनइक्वालिटी, असमानता, इसकी बात इन्होंने नहीं की है, ये इनकी विचारधारा का लक्षण नहीं है। बाकी इन्होंने व्यक्ति के महत्व की बात की है, तर्क संगत की बात की है और समता समाज की बात की है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में कौन सा लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है, देखिए इसका आंसर वो देखते हैं हम। ऑप्शन, प्लानिंग, इकोनॉमिक इक्वालिटी, कंजर्वेशन, सोशल चेंज, योजना, आर्थिक समानता, रूढ़िवाद, सामाजिक परिवर्तन। तो इस तरीके से इसमें क्या नहीं होगा, देखिए उन्होंने प्लानिंग की बात की है, जब फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आया था उसके अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक समानता की बात की है, सामाजिक परिवर्तन की बात की है, सोशल चेंज की भी बात की है, लेकिन बात किस चीज की नहीं की है इन्होंने, रूढ़िवाद की। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट राइटर इज कॉल्ड द मैकियावेली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? भारत का मैकियावेली, अब देखिए इसके ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, कौटिल्य, शुक्र, मनु, बृहस्पति। तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे, कौटिल्य भारत के मैकियावेली कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द हाइएस्ट एंड ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि ये कमीशन ने इसका आंसर कुछ नहीं माना था, ये ड्रॉप हुआ था क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दलवहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन है, कौन थे, सॉरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है, दलवहीन लोकतंत्र की बात किसने की है, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर, याद रखिएगा, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात जयप्रकाश नारायण ने की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु ऑथर्ड द बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। लोहिया का देखिए ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है कि किस तरह के समाजवाद की बात करते हैं, तो वो करते हैं हमारी विकेंद्रित समाजवाद की। और यहाँ पर पूछा है कि मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है हमारे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है हमारा, हु अपोज द विलेज एज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटन असेंबली। देखिए इसके जो राइट सॉरी ऑप्शन है हमारे, एच बी कामत, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा। अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन इसके एच बी कामत, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। इसका हमारा राइट आंसर क्या है, बी आर अम्बेडकर। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, विच एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्य सिक्स फोल्ड पॉलिसी सातगुण्य नीति इज रिलेटेड टू मार्चिंग। कौटिल्य की सातगुण्य नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? सातगुण्य नीति मतलब उसमें 6 तरह की बात की गई है, उसमें संधि की बात भी की गई है, जो कि इसमें ऑप्शन में से 4 ऑप्शन है तो 4 ही दिए गए हैं, आसन, बिग्रे, संसरे, यान। तो ये जो मार्चिंग चढ़ाई करने से संबंधित है, ये हमारा किससे संबंधित है, ये है हमारा यान से संबंधित। बाकी आप सांगुण्य नीति को अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैं इसको करा चुकी हूँ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। निम्नांकित में से कौन बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है? अश्वघोष, नागार्जुन, कुंडाचार्य, दिंग नाग।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, कुंडाचार्य जो है वो हमारे बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है। बाकी ये अश्वघोष, नागार्जुन, दिंगनाग ये तीनों जो है हमारे बौद्ध परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियाउद्दीन वर्गी। फर्स्ट है हमारा ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सेकेंड है ही कंबाइन द इस्लामिक आइडिया ऑफ रीजन रिलीजन विद द तुर्किस आइडिया ऑफ किनशिप एज द तुर्किस आइडिया ऑफ किनशिप एज द ओनली वे टू क्रिएट ऑर्डर इन सोसाइटी। हिंदी में देखते हैं, जियाउद्दीन बरनी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। सेकंड है उन्होंने समाज में व्यवस्था के स्थापनार्थ धर्म के इस्लामी विचार एवं राजस्व के तर्की के विचार को जोड़ा। तो इसमें ऑप्शन है हमारे ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ वन एंड टू करेक्ट, नाइदर वन नॉर सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ओनली वन इज करेक्ट। उन्होंने समाज में व्यवस्था के स्थापना धर्म के इस्लामी विचार एवं राजस्व के टर्की विचार को नहीं जोड़ा। उसका इसका ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। नेक्स्ट है हमारा द कंसर्व कॉन्सेप्ट जवाबित रेफर टू। जवाबित क्या है, जवाबित का सिद्धांत जो किस चीज से संबंधित है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, इंटरनल लॉ, स्टेट लॉ, प्राकृतिक कानून, देवी कानून, शाश्वत कानून, राज्य कानून। तो इसका जो राइट आंसर होगा जवाबित, ये कैसा कानून है, ये एक राज्य का कानून है, राज्य का कानून। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब हम बर्नी को पढ़ते हैं तो वहां पर शरीयत और जवाबित दोनों की बात होती है। शरीयत क्या होती है, जो जो पैगंबर है मुस्लिम कम्युनिटी में उनके द्वारा जो बात कही गई है उसको शरीयत बोलते हैं। और बाकी ये जवाबी जो है ये स्टेट लॉ है, यानी कि राज्य का कानून है। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा राम मोहन राय। स्टेटमेंट देखते हैं हम, ही सपोर्टेड द मोरल प्रिंसिपल ऑफ न्यू टेस्टामेंट, ही अपोज द जूरी सिस्टम ऑफ जस्टिस, ही थॉट द संस्कृत नॉलेज कीप्ड इंडिया इन डार्क, ही रिजेक्टेड द आइडियल वर्शिप। हिंदी में देखते हैं, राजा राम मोहन राय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया, उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया, उनका सोचना था कि संस्कृत ज्ञान से ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा, उन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2, ही अपोज द जूरी सिस्टम ऑफ जस्टिस। उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय स्वामी दयानंद। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद द्वारा लिखी हुई नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेदाभाष्य भूमिका, अष्टाध्यायी भाष्य, महानिर्वाण तंत्र, संस्कार विधि। देखिए हिंदी और इंग्लिश में सेम है तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा महानिर्वाण तंत्र। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी हुई नहीं है, महानिर्वाण तंत्र ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब देखते हैं 23, विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान स्पेसिकली इट टू डिस्कोर्स पॉपुलर पॉलिटिकल एग्यूटेशन अमंग मुस्लिम्स। हिंदी में देखते हैं, मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया। ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, ईवी रामास्वामी नायकर से रिलेटेड, ईवी रामास्वामी नायकर से रिलेटेड टर्म द नेशनलिस्ट डिमांड ऑफ स्वराज। ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या कहा है। देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या कहा, ऑप्शन देखते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट,
call for cultural humanism, acceptance of pluralism, conspiracy of local elites, आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक मानववाद की पुकार, बहुलतावाद की स्वीकृति, स्थानीय प्रभुओं की साजिश। तो क्या बोला है उन्होंने, स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या बोला है, कंस्पायरेसी ऑफ लोकल एलाइट्स, स्थानीय प्रभुओं की साजिश। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम के गांधी हिंद स्वराज। एम के गांधी हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, क्या इनकरेक्ट पूछा है इसमें। इट इज ए रिस्पॉन्स ऑफ वायलेंट नेशनलिस्ट, इट डिफाइंस स्वराज एज सेल्फ गवर्नमेंट, इट व्यू ब्रिटिश रूल एज मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज रिटन इन डायलॉग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, हिंदी में देखिए, ये हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर है, ये स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करती है, ये ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है, यह संवाद शैली में लिखी गई है। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो क्या है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। बाकी ये हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर है तो ये ठीक है, ये ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है, ये भी ठीक है, ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द लास्ट पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय बीआर अंबेडकर। बीआर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था, ऑप्शन है हमारे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दलित पैंथर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नेक्स्ट है हमारा 27 द कंसेप्ट ऑफ ऋषि खेती डिवाइस विनोबा भावे मीन्स। विनोबा भावे द्वारा प्रणीत ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है फार्मिंग ऑर्गेनाइज बाय आश्रम, फार्मिंग विदाउट यूजिंग बुलक्स, कम्युनिटी फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, आश्रमों द्वारा संगठित खेती, बैलों के प्रयोग के बिना खेती, सामुदायिक खेती, निर्वाह खेती। तो ऋषि खेती जो है, ये ऋषि खेती जो विनोबा भावे ने बताई है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा बैलों के प्रयोग के बिना खेती। ऋषि खेती का किस चीज से संबंधित है, ऋषि खेती हमारी संबंधित है बैलों के प्रयोग के बिना जो खेती की जाती है उसको ऋषि खेती बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा द एसेंस ऑफ जयप्रकाश नारायण अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व है। देखिए जयप्रकाश नारायण से हम पीछे 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, मैचिंग में 2 जगह पूछा गया है, इनकी टोटल रेगुलेशन के बारे में पूछा गया है। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं, ऑक्यूपेशनल रिप्रेजेंटेशन, क्लास कोऑपरेशन विद चेंज ऑफ हार्ट, रेवोल्यूशनरी पीपल्स विल, एनार्किज्म। तो लोकतंत्र की समझ का जो सार तत्व है वो जयप्रकाश नारायण ने क्या बताया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, पहले हिंदी में देख लेते हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, हृदय परिवर्तन से वर्ग सहयोग, क्रांतिकारी जनिच्छा, अराजकतावाद। तो इन्होंने बताया है क्रांतिकारी जनिच्छा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने दी है, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अमर्त्य सेन, ये अमर्त्य सेन से रिलेटेड है। अब इनके स्टेटमेंट हम देखते हैं, ही एप्रिसाइड्स द पेरेटो ऑप्टिमल, सेकेंड है ही इम्पेसाइज द क्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी रेदर देन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में देख लेते हैं, अमर्त्य सेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे पेरेटो अनुकूलतम की सराहना करते हैं, वे संसाधनों की समझ के बजाय क्षमताओं की समता पर जोर देते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, एक एवं दोनों सही, ना तो एक और ना तो दो सही। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, केवल दो सही, ऑप्शन नंबर 2 केवल दो सही। वह संसाधनों की क्षमता के बजाय समता के बजाय क्षमताओं की समता पर बल देते हैं, मतलब ही इम्पेसाइज ऑन इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज रेदर देन इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। याद रखिएगा ये अमर्त्य सेन के बारे में। आज का हम लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है फॉर विच वर्क अमर्त्य सेन, सेकंड भी देखिए अमर्त्य सेन है,
से रिलेटेड है, वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक इन द ईयर 1988। अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए 1988 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशल चॉइस थ्योरी, स्टडीज इन जेंडर इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक ऑफ फेमिनाइन फेमाइन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इकोनॉमिक्स ऑफ फेमाइन। अमर्त्य सेन को 1988 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो अकाल का अर्थशास्त्र से रिलेटेड किया गया था। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 PYQ RPSC के इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड। अगर आपको समझ आए हो, आपको थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इससे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड PYQ नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।